बुराव गणपत राव आपटे, ये नाम सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और फिल्म हेरा फेरी याद आ जाती है। इस फिल्म में परेश रावल द्वारा बोला गया हर एक डायलॉग याद आने लग जाता है। फिर चाहे वो ये बाबू राव का स्टाइल है या फिर उठा ले रे बाबा वाला डायलॉग हो, आज भी ये डायलॉग लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते हैं। परेश रावल ने जिस भी किरदार को निभाया वो किरदार सदा के लिए जीवंत हो गया। लेकिन दोस्तों, आप सब परेश रावल के बारे में तो जानते ही हैं, पर क्या आप इनकी पत्नी के बारे में जानते हैं कि वो कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें और साथ ही इस दमदार एक्टर के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के महान कॉमेडियंस में शामिल परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को अहमदाबाद, गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई लॉरेंस जुहू स्कूल से की थी और मुंबई के कॉलेज से ग्रेजुएशन की। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्हें शुरू से पढ़ाई में रुचि नहीं थी, जिस वजह से इन्हें स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा था कि तुम्हें किसी और फील्ड में अपना ध्यान लगाना चाहिए। तभी से इन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाने का सोचा और पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने थिएटर को ज्वाइन कर लिया और इन्होंने थिएटर में नाटकों में अभिनय करना शुरू किया और काफी कड़ी मेहनत के बाद ही इन्हें अर्जुन फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया। इसके बाद इन्होंने अंदाज अपना अपना, मोहरा, सोने पे सुहागा और ताकतवर जैसी फिल्मों में काम किया। शुरुआत में ये फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते हुए नजर आए थे, जिसके बाद इन्होंने कॉमेडी में अपना हाथ आजमाया और एक कॉमेडियन के रूप में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें वेलकम बैक, हेरा फेरी, ओएमजी और भूल भुलैया जैसी फिल्में शामिल हैं और इन्हें एक खलनायक से ज्यादा कॉमेडियन के रूप में लोगों ने ज्यादा पसंद किया। फिर चाहे वो डॉक्टर घुंघरू हो या फिर बाबू राव गणपत राव आपटे, हर किरदार को दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की पत्नी के बारे में तो इनकी पत्नी का नाम स्वरूप संपत है, जिनका जन्म 3 नवंबर 1958 को हुआ था। आपको बता दें कि ये एक अभिनेत्री हैं, साथ ही 1979 में ये मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। बात करें इनके अभिनय करियर की तो इन्होंने छोटे पर्दे के शो ये जो जिंदगी से अपनी शुरुआत की थी। इस सीरियल में इनके अभिनय को खूब पसंद किया गया था, जिसके बाद ये कई टीवी शोज में नजर आई, जिनमें दुनिया गजब की और ऑल द बेस्ट जैसे सीरियल्स शामिल हैं। छोटे पर्दे के साथ साथ इन्होंने बड़े पर्दे पर भी काम किया और नर्म गर्म फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना कदम रखा, जिसके बाद ये हिम्मत वाला, लोरी और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी फिल्मों में शामिल हुई। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की तो ये खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है, जैसा कि आप इनकी इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको परेश रावल और स्वरूप संपत की जोड़ी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।